इस दुनिया में बस एक ही साइड होती है, खुद के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानने वाले पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की मच अवेटेड मूवी कल्कि 2898 एडी के पांचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई है फ्लॉप। दोस्तों बात की जाए इस मूवी के स्क्रीनिंग काउंट के बारे में तो इस मूवी को दुनिया भर से 8000 प्लस स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी ने फर्स्ट डे हिंदी नेट कलेक्शन किया था 22 करोड़ 50 लाख रुपए, दूसरे दिन कलेक्शन किया था 23 करोड़ 10 लाख रुपए और तीसरे दिन कलेक्शन किया था 26 करोड़ 12 लाख रुपए। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी ने अपने चौथे दिन कलेक्शन किया था 40 करोड़ रुपए का। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का चार दिन का हिंदी वर्जन कलेक्शन हो चुका था 111 करोड़ 72 लाख रुपए। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी ने अपने फर्स्ट डे इंडियन नेट कलेक्शन किया था 100 करोड़ 50 लाख रुपए और सेकंड डे कलेक्शन किया था 57 करोड़ 30 लाख रुपए का और तीसरे दिन 65 करोड़ 25 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी ने चौथे दिन कलेक्शन किया था 86 करोड़ रुपए का। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का टोटल चार दिन का पूरे इंडिया से कलेक्शन हो चुका था 309 करोड़ 5 लाख रुपए और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुका था 368 करोड़ 30 लाख रुपए और ओवरसीज कलेक्शन किया था 124 करोड़ रुपए का। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का टोटल चार दिन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस यानी कि दुनिया भर कलेक्शन किया इस मूवी ने 482 करोड़ 30 लाख रुपए का। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए इस मूवी के पांचवें दिन के हिंदी वर्जन के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों ये मूवी अपने पांचवें दिन कलेक्शन करने वाले हिंदी वर्जन में 18 से 20 करोड़ रुपए और साथ ही साथ दोस्तों ये मूवी अपने पांचवें दिन पूरे इंडिया से कलेक्शन करने वाले लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए। दोस्तों बात की जाए इस मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का थिएट्रिकल बजट है 390 करोड़ रुपए और दोस्तों इस मूवी का टोटल बजट है 600 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का IMDb रेटिंग मिल चुके 8.3 आउट ऑफ 10 जो की आउटस्टैंडिंग है और दोस्तों ये मूवी प्रभास की छठवीं फिल्म है जो की 100 करोड़ प्लस कब ओपनिंग कलेक्शन किया है। दोस्तों क्या लगता है आपको कल्कि 2898 एडी लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकती है और दोस्तों आपने भी इस मूवी को देखा है तो ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना और दोस्तों इस मूवी को आप 5 में से कितना रेटिंग देना चाहोगे कमेंट जरूर कर देना।